हेलो फ्रेंड्स, कंप्यूटर बेसिक नॉलेज हब यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम होम टैब में फ़ॉन्ट सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिल सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं। फर्स्टली आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में। अगर आप किसी चीज़ के फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास फ़ॉन्ट साइज़। अगर आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना चाहें तो आप यहां से जो भी आप फ़ॉन्ट साइज़ रखना चाहते हैं ले सकते हैं। इसी तरह से फ़ॉन्ट साइज़ से रिलेटेड आपके दो ऑप्शंस हैं, इंक्रीज़ द फ़ॉन्ट साइज़ और एक है डिक्रीज़ द फ़ॉन्ट साइज़। अगर हम इंक्रीज़ द फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना चाहते हैं थ्रू द शॉर्टकट तो हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन यूज़ करेंगे, और हम अगर हम डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करना चाहते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन यूज़ करेंगे। फर्स्टली आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट प्लस अगर आप ग्रेटर देन यूज़ करते हैं तो आप फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं, और इसी तरह से आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन यूज़ करते हैं तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा आपका, डिक्रीज़ होगा। अब देखिए, जो भी फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो रहा है वो टू टू कर रहे, जैसे 14 14 के बाद 16 16 के बाद 18। अगर आप एक का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस लेफ्ट ब्रैकेट का यूज़ करेंगे तो आप एक का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप राइट कंट्रोल के साथ राइट का यूज़ करेंगे तो आप एक का साइज़ इंक्रीज़ कर सकेंगे, और अगर आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो आप वन का साइज़ डिक्रीज़ कर सकेंगे। इसी तरह से अगर आप किसी भी टेक्स्ट पे बोर्ड स्टाइल यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से बोर्ड स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। इटैलिक यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इटैलिक स्टाइल यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह से हम अंडरलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसे थ्रू द शॉर्टकट्स करना चाहें तो हमें कंट्रोल प्लस बी के लिए बोल्ड, कंट्रोल प्लस बी प्रेस करना होगा बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए। सेलेक्ट करेंगे किसी टेक्स्ट को और हम कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बी प्रेस करेंगे, हम बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल आई से इटैलिक और कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन अपने टेक्स्ट को कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप स्ट्रिक थ्रू यूज़ करना चाहते हैं तो स्ट्रिक थ्रू पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर हम स्ट्रिक थ्रू स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास सुपर सब्सक्रिप्ट या सबसक्रिप्ट। इसको यूज़ करने के लिए फर्स्टली आप कोई भी टेक्स्ट लिख लीजिए, जैसे X2 लिखा हमने। अगर हम सिर्फ 2 को सेलेक्ट करेंगे और इसे स्क्रिप्टिंग में लेके आना चाहते हैं सुपर या सब, अगर हम इसे थ्रू द शॉर्टकट्स करना चाहें तो इसके शॉर्टकट्स क्या हैं हमारे पास। अगर हम सब सब्सक्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस इक्वल है, और अगर हम सुपर सब्सक्रिप्ट बनाना चाहें कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल है। अगर हम इसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस इक्वल प्रेस करते हैं तो इसे हम सुपर सब्सक्रिप्ट बना सकते हैं, और इसी तरह से अगर आप कंट्रोल प्लस यूज़ करें तो इसे आप सब्सक्रिप्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास अगर आप इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट इफेक्ट यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट के बाद अब हम बात करते हैं चेंज केस की। अगर हम चेंज केस यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी हम किसी भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, जैसे सारे अपर में चाहिए सारे अपर में हो जाएंगे, और सेंटेंस केस चाहिए हमें सेंटेंस केस हो जाएगा। अगर हम इसे थ्रू द शॉर्टकट करना चाहें चेंज केस को, चेंज केस का शॉर्टकट है हमारे पास शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 अगर हम अपने कीबोर्ड से प्रेस करें तो देखिए अपर केस में हम जा सकते हैं और हम लोअर केस में आ जाते हैं, और हम सेंटेंस केस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी कलर्स, आप टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर अगर आप यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, जहाँ तक आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर वो टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप फ़ॉन्ट को कोई भी कलर अप्लाई करना चाहें तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे और फ़ॉन्ट को कोई कलर आप अप्लाई करवा सकते हैं। अगर आपने कोई भी फॉर्मेटिंग को अगर आपने हटाना हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लियर ऑल फॉर्मेट्स के ऊपर, तो सभी की सभी फॉर्मेटिंग्स आपकी हट जाएंगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।